बड़ा बड़ा। ये सबसे बड़ा थाल है, इसके अंदर कबाब्स भी हैं, फ्राई भी, मछली भी है, इसके अंदर मछली के टिक्के भी हैं, तंदूरी भी है। भाई ये है क्या? सारी इनकी बारबेक्यू के आइटम्स हैं। समुद्री सोल है। अब ये है इनका मटन सीख कबाब, फिश टिक्का, शामी कबाब है लेकिन फिश का है। इसके शेप ही ऐसी होती है कि बड़ी मासूम सी मछली लगती है। चाहे बम बरसाए जा रहे हो लेकिन ससुराल जाना बहुत जरूरी है। इस रान को देखते हैं, पूरी बाहर निकालेंगे। खुशबुएं तराशते हैं हम, खुशबू जो एहसास है, मोहब्बत है, इश्क है, दोस्ती है। खुशबू जमाना है, आज है, माजी है, कभी ख्वाब है। जमजम परफ्यूम्स। कई बार ऐसा भी होता है कि पतली गलियों में खामोशी से अंदर बैठकर कोई ऐसे जायके सर्व कर रहा होता है कि जो आम लोगों ने ना देखे होते हैं ना सुने होते हैं। हम आज ये जायके देखेंगे भी, सुनेंगे भी, सूंघेंगे भी, चखेंगे भी और आप तक इसका जायका पहुंचाएंगे भी। गली खाना खाना के बाहर हूँ, जामा मस्जिद पे हूँ, ट्रिपल ए नाम का एक रेस्टोरेंट है। अंदर इस पतली सी गली में किस तरह से चल रहा है, चल कर देखो। पुरानी दिल्ली की गलियों की हैरान कर देने वाली रिवायत आज फिर से सामने आ गई। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि यहाँ क्या कोई रेस्टोरेंट होगा और ये सोचते हुए मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सोच और माहौल दोनों एक ही लम्हे में बिल्कुल बदल गए। ये है ट्रिपल ए फूड्स, बाहर के माहौल से बिल्कुल उलट एक छोटा सा मगर मुकम्मल रेस्टोरेंट। रिसेप्शन पे बैठे एक नौजवान से मैंने कहा कि भाई मुझे यहाँ के ओनर से मुलाकात करनी है। अनीस भाई ट्रिपल ए फूड के मालिक, एक इंतहाई सिंपल दिखने वाले इंसान हैं। इनसे मुलाकात करके अच्छा लगा। पेशे से कारोबारी हैं, रेस्टोरेंट शौक है। एक दो बातें जानने के बाद जैसे ही अनीस भाई मुस्कुराए, बस उसी लम्हे मैंने किचन में जाने की इजाजत मांग ली और इन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं आइए। हमने हेड कैप्स लगाए और किचन के अंदर आ गए। यहाँ बहुत सारी चीजें एक साथ तैयार की जा रही थी। रेस्टोरेंट शौकिया करते हैं, ये बात उस वक्त साबित हो गई जब अनीस भाई ने हर चीज बहुत खुशी से और शौक से मुझे दिखाना शुरू किया। यहाँ आके पता लगा कि मुर्गा हलाल होने के बाद भी एक इंजेक्शन झेलता है। रोस्ट में लिक्विड मसाले इसी तरह सऊदीया वाले अलबेक में भी इंजेक्ट किए जाते हैं। खैर, मैंने कहा मुझे पूरा प्रोसेस देखना है। इन्होंने मुर्गे के अंदर मसाले इंजेक्ट किए, बाहर से इसको मैरिनेट किया, उसके बाद ब्रेड क्रम का गिलाफ उसके ऊपर चढ़ा दिया। ये सब काफी दिलचस्प था मेरे लिए, लेकिन यहाँ एक साथ बहुत कुछ एक्शन था रिकॉर्ड करने के लिए, लिहाजा मैंने जैसे ही कैमरा घुमाया तो मंजर चाइनीज का था। यहाँ पिज्जा पैदा होता है, यानी पिज्जा की बेस भी ये खुद तैयार करते हैं। जब आप लागत खुलकर लगाते हैं तो नतीजा जायके की शक्ल में हासिल होता है। और अब कुछ देर मैं खामोश रहूंगा और आप सिर्फ मुलाहिजा कीजिए। दूसरी तरफ अनीस भाई से मैं कुछ मुश्किल सवाल करता जा रहा था, जैसे इन इलेक्ट्रिक फ्रायर्स का तेल कितने दिन में बदला जाता है। जवाब मिला, हर रोज। तेल और फ्रायर्स की सफाई इनकी बात का पूरा साथ दे रही और इस सारी गहमा गहमी के बीच में बाहर बैठे गेस्ट्स को सर्विस भी लगातार दी जा रही। ये भटूरे देखकर तो वाकई इनको खाने की ख्वाहिश होने लगी थी, लेकिन अभी हमारा कैमरा खा रहा था।
ये स्टफ्ड गार्लिक नान हो या इस चीज लोडेड पिज्जा के लंबे लंबे थ्रेड्स, ये किसी को भी बावला बनाने के लिए काफी है। तो वो ब्रोस जो हमने मैरिनेट किया था अब अपनी आखिरी मंजिल की तरफ चला और हम मुगलई किचन गए। यहाँ मटन नान रोस्ट की जा रही है, इसको पहले फॉइल में लगाकर हाफ डन किया जाता है, उसके बाद फॉइल को उतार कर इसको दोबारा तंदूर के हवाले किया जाता है ताकि दोनों एक दूसरे को खूब अच्छी तरह समझ लें। फिश टिक्का, मटन सीख कबाब, चिकन सीख कबाब वगैरह वगैरह इस मुगलई किचन को मुकम्मल करते हैं। फ्राई सेक्शन में आए तो अनीस भाई को अचानक अपने एक कारीगर को कुछ खास हिदायत प्रैक्टिकली देते हुए देखा तो यह मालूम हुआ कि जब सही काम जानने वाला शख्स गलत होते देखे तो किस तरह बेचैन हो जाता है। ये ग्रेवी सेक्शन इनके किचन का आखिरी सेक्शन था और जब हम यहाँ आए तो कढ़ाई चिकन को पैदा होते देखा और ये जाना कि हर एक मसाला किसी डिश को किस तरह जायका, खुशबू और रंगत देता है। खुश रंग खाने ही खुश जायका होते हैं। खाना खा लेते हैं। जितनी सैर करनी थी कर ली, जितना कैमरे को किचन में पेट भराना था भरा दिया। उसके बाद इस ट्रिपल ए रेस्टोरेंट के एक ऐसे कोने में मैं आ गया हूँ जहाँ से उठकर जाना हर कोई पसंद नहीं करेगा। बहुत खूबसूरत है कि इन्होंने दस्तरखान बना रखा है, चारों तरफ से बंद है, कैबिन है, ये कि आपका पर्सनल डाइनिंग रूम है और वहाँ पर फर्श पे कालीन, दीवारों पे खुशनुमा कुमकुमे, दस्तरखान के ऊपर खुशबूदार खाने, ये सब आपको जब एक जगह कॉम्बिनेशन के तौर पे मिलता है तो उसको गली खाने खाना का ट्रिपल ए फूड कहते हैं। बहुत सारा खाना लगा हुआ है, बड़ी बड़ी भारी चीजें लगी हुई हैं। इसको बताने के लिए मैंने यहाँ से सलमान भाई को बुलाया है। उससे पहले एक चीज जो सरप्राइज था अब तक मैं आपको बता दूं, हमारे साथ एक मेहमान है, हम उनके मेहमान हैं या वो हमारे मेहमान हैं ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है। खाने की क्वांटिटी के हिसाब से उनका यहाँ मौजूद होना बहुत जरूरी था। जावेद भाई मेरे साथ हैं। तो दोस्तों, आज मेरे लिए वाकई बड़ी खुशनसीबी की बात है कि याया भाई के साथ दस्तरखान पे बैठना नसीब हुआ है। इतनी शाइस्ता गुफ्तगू और इतने प्यारे अंदाज से बेहतरीन उर्दू के साथ में आपको मेरे ख्याल से यूट्यूब पर कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा। पुरलुत्फ अंदाज मजाक करते हैं, इनकी हर बात को मजाक जानिएगा। सलमान भाई से पूछते हैं क्या क्या रखा हुआ। ये सच्चाई है, ये सच है, इनकी मोहब्बत है। नहीं माशाल्लाह, थैंक यू सर। ये सबसे बड़ा थाल है, इसके अंदर कबाब्स भी हैं, इसके अंदर फ्राई भी है, इसके अंदर मछली भी है, इसके अंदर मछली के टिक्के भी हैं, इसके अंदर तंदूरी भी है। भाई ये है क्या? ट्रिपल ए स्पेशल मंदी। स्पेशल मंदी है ये आपकी, इसके नीचे राइस है। हाँ ठीक है, चावल भी नजर आ रहे हैं। इसकी प्राइसिंग भी बता दीजिए साहब। 1999। ये इतनी बड़ी ट्रे है, इसमें सारी इनकी बारबेक्यू के आइटम्स हैं और ये 2000 रुपए की मंदी है, मेरी समझ से बाहर है। तंदूरी पॉम्फ्रेट। तंदूरी पॉम्फ्रेट है। अच्छा, ये बकरे चाइनीज। चाइनीज ओके। हॉट गार्लिक सॉस में साहब, ये बहुत नई सी कोई चीज दिख रही है। चिकन क्या भट्टी टिक्का। चिकन भट्टी टिक्का। भट्टी टिक्का, क्या बात है यार। ये नॉर्मल मुगलई ईरान है। हाँ, मुगलई ईरान। खाना दूर तक फैला हुआ है इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे होना पड़ेगा। ये पालक में ये क्या? पालक पनीर है। पालक पनीर है, शाही पनीर है। शाही पनीर है भाई वाह, यानी वेज की आइटम। मटन कौरमा है। मटन कौरमा जी। कोरमे पे वही सारे चेक लगेंगे जो हम हमेशा लगाते हैं, कोई रियायत नहीं होगी। कढ़ाई चिकन, इन्होंने मुझे ये बताया कि इनका ये तसला चिकन कुछ मुख्तलिफ है, कैसा है टेस्ट करके देखेंगे। इसके आगे भी दस्तरखान जारी है, मैं आगे चलता हूँ। यहाँ आ गई कुछ क्वांटिटी की आइटम्स। तो ये है बहुत ही बड़ा सा एक लार्ज पिज्ज़ा। पिज्ज़ा बनते हुए हमने अंदर देखा था, डो से लेके कंप्लीट खुद यहीं हो रहा है, हमने अपनी आँखों से देखा था। 3 तरह की रोटियाँ हैं, बहुत सारे मोहितो रखे हुए हैं और इतने खाने को देखने के बाद इससे ज़्यादा हम बोल नहीं सकते।
खाना शुरू करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आइटम होते हैं इनके। शुरुआत जो होगी चावल से होगी, खाली चावल देखते हैं क्या कह रहा है इनका। बिस्मिल्लाह। असल में ये लेने में फ़ायदा क्या होता है कि इनके बारबेक्यू की लगभग सारी आइटम्स इसमें आ जाती हैं, तो आपको सारे मज़े मिल जाते हैं। चावल एक ज़ीरो टेस्ट पर है, अब उसके ऊपर ये जो इन्होंने चीज़ें रखी हैं अपना अपना टेस्ट चावल के साथ मिलकर देती चली जाएंगी। और या भाई 465 आइटम है इनके। ये मेरे ख्याल में नॉर्मल तंदूरी चिकन होगा इनका जावेद भाई। जी जी जी। चिकन गला हुआ होना चाहिए, गला हुआ है। इतनी चीज़ें हैं, इसकी जिम्मेदारी जावेद साहब के ऊपर है। जो जो उम्मीद इनसे है वो पूरी होनी चाहिए। अच्छा जी, ये जो मछली है बता रहे थे कि अच्छा जी समुद्री सोल है, पूरी साबुत मछली है। क्या बात है यार। ये कबाब तीन तरह के कबाब है, ये तो अदना कबाब की सी शक्ल लग रही है साहब। ये है इनका मटन सीख कबाब, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हाँ बहुत हल्के हल्के से मुख्तलिफ टेस्ट आ रहे हैं हर चीज़ के, थोड़ा बहुत चख के इससे ज़्यादा ले के दूसरी चीज़ों की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, ये फिश टिक्का है इनका। मछली तो बहुत अच्छी मिलेगी यहाँ पर, हल्की हल्की सी स्मोक की खुशबू। अनीस साहब का मछलियों में तजर्बा, इस रेस्टोरेंट का खूबसूरत माहौल, एक पूरा पैकेज है। ये फ्राइड है? हाँ ये फ्राइड चिकन है जी। फ्राइड चिकन की भी आपको गोश्त की क्वालिटी अगर अच्छी हो खाना अच्छा बनता चला जाए, बेहतरीन। नेक्स्ट है हमारे पास तंदूरी पॉम्फ्रेट। पॉम्फ्रेट तो है, ये तंदूरी पॉम्फ्रेट जो है कुछ अलग होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बड़ी खूबसूरत सी होती है यार, इसके शेप ही ऐसी होती है कि बड़ी मासूम सी मछली लगती है। आप बिस्मिल्लाह। ये तो मीठी रोटी है, जहाँ से मर्जी चाहे शुरू कर। मीठी रोटी है, देखिए इनकी बातें शुरू होने वाली है। इनका एक अलग अंदाज है, ये जब कभी ससुराल जाते हैं तो पूरे जहान को बता देते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चाहे गोलियां चल रही हो और चाहे तलवारें चल रही हो और चाहे बम बरसाए जा रहे हो, लेकिन ससुराल जाना बहुत जरूरी है। ये इनकी आधी परफॉर्मेंस है, इनकी असली परफॉर्मेंस मैंने एक वीडियो में देखी थी। बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन और फुल मजेदार, जबरदस्त है यार, क्या कहा जाए। ये कुछ खाने ऐसे होते हैं कि आपको खा के ही पता लगता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, देख लेना काटा ना हो। क्वांटिटी बहुत सारी है, स्टार्टर से निमटते हैं, जैसे मेन कोर्स पर आते हैं। मेन कोर्स में बड़ी कुछ रंग बिरंगी चीजें हैं। चाइनीज रान का ये पूरा प्लेटर है, थोड़ी इसमें चाउमीन है, थोड़े इन्होंने फ्राइड राइस दिए हैं, इस पे सॉसेस हैं चाइनीज। तो ये क्या कहती है इस रान को देखते हैं, पूरी बाहर निकालेंगे। सबसे पहले एक बार इससे मुकम्मल मुलाकात करेंगे। नया कंसेप्ट है, वरना रान उमूमन तंदूरी होती है, यहाँ इन्होंने चाइनीज रान बनाई है। ये इनोवेशन सी किसी चीज को अलग बनाती है यार। इसको तो काबू करिए, माशाल्लाह। तो जिसकी जो जिम्मेदारी होती है वही पूरी करता है। क्या बात है यार, ये एकदम नया एक्सपीरियंस होगा कि ये रान भी हो और चाइनीज भी हो। अच्छा कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं है कि जो भी कुछ आप नया ट्राई कर रहे हो वो अच्छा ही हो, उसके पीछे तजर्बा ज़रूरी होता है कि आप कितनी क्या चीज़ डाल के किसी को कितना ट्वीक कर सकते हैं। इन्होंने बकरे की मुगलई रान को चाइनीज रान बना दिया, ये यहीं मैंने देखा है और ये चीज़ कमाल है, कमाल बहुत खूब। अच्छा जी, तो इसके साथ आई है ये थोड़ी सी चाउमिन, इसको भी ज़रूर एक बार खा कर देखेंगे। थोड़ा सा रान का पीस लेते हैं, उसको इस फोर्क के ऊपर रखते हैं और अब बनाते हैं इसको मुकम्मल तरीके से चाइनीज रान। बिस्मिल्लाह। ऐसा लग रहा है रान भी हैरान होगी कि मुझे मुगलाई से उठा के चाइनीज बना दिया। आगे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आइटम है हमारी भट्टी टिक्का। भट्टी टिक्का जो है वो बहुत अलग है और ये चिकन में है। और जावेद भाई प्लीज हाथ ना रोकिए। अच्छा ओहो, मसालों का खेल चल रहा है, खेल। तो पहली बार खाया मैंने, मैंने भी पहली बार ही खाया है। मेन डिफरेंस है जो मसाले इन्होंने लगाए हैं बहुत अलग हैं और मुझे नहीं लगता ये रेडीमेड मसाले हैं, इनकी अपनी रेसिपीज चल रही हैं। ये एक अच्छी आइटम है, जब आप मुगलई अफगानी मलाई क्रीमी सारे तिक्के खाते खाते बोर हो जाएं, ज़रूरी है कि पैलेट को चेंज करने के लिए एक बार भट्टी तिक्का खा कर देखिएगा। नई है, अच्छी है, इनोवेटिव है। स्टार्टर्स अपने अंदर उलझा लेते हैं फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन अब हमने स्टार्टर्स को दरकिनार करके आगे बढ़ना सीख लिया है। मुगलई रान है, उसके बाद मेन कोर्स है। तो ये है वो मुगलई रान। तंदूर में इससे मुलाकात की थी, उससे बात की थी कि हम अब आपसे अगली मुलाकात दस्तरखान पे करेंगे। वो मुलाकात पूरी हुई। जावेद भाई वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। कुछ लोग बॉइल करते हैं इन रानों को बनाने से पहले, लेकिन मुझे स्पेशली इनके शेफ ने बताया कि इसको मैरिनेशन में इतना गला लें। अच्छा जी, बॉइल्ड नहीं है, ये इसकी एक खासियत है। सारी कोयलों पे गली है, उससे पहले मसालों में गली है, उसके बाद
प्लेट में रख के ट्रे में रख के हमारे पास आ गई। सर कैसी है? बहुत मजे का है और टेस्ट में जिस स्पाइसी की तलाश होती है ना आदमी को, वो भी जामा मस्जिद के एरिया में परफेक्ट एकदम। जबरदस्त है, एक निवाला इसका और लेंगे और उसके बाद बहुत तेजी के साथ चलेंगे अपने मेन कोर्स के ऊपर। ये रान बहुत अच्छी है, शामी कबाब है लेकिन फिश का है। हाँ मैं तो हर बार लेता हूँ जी इसको। हाँ जी हाँ, ये तो अच्छा, बहुत ही शानदार होता है। बड़ा क्रिस्पी सा है ऊपर से और बड़ा अंदर से सॉफ्ट है। बात यही है कि जब तक आप कुछ नया अच्छा नया करके नहीं दिखाएंगे, आप भीड़ में स्टैंड अलोन नहीं कर सकते। दिलचस्पी अपने काम में आपको दिखानी पड़ती है, वो जब आती है सामने तो फिश का यूं शामी कबाब बन जाता है। ये जो टिक्का है ये इनका वो तसला चिकन है जो जामा मस्जिद पे बहुत से नामों से बहुत मशहूर है, बल्कि कुछ नामों से तो इतना मशहूर है कि वहाँ खतरनाक किस्म की भीड़ रहती है। हमने वो वीडियो भी किया हुआ है, हम किसी का नाम नहीं लेते। बटर के अंदर है, क्रीम के अंदर है, टिक्का है, मसाला है, कुछ डिफरेंट है। इन्होंने मुझे कहा था कि हमारा ये तसला चिकन दूसरों से डिफरेंट मिलेगा आपको। भाई क्या बात जी, हाथ क्यों रोक रहे हैं आप? भाई जान बस आपकी गुफ्तगू इतनी प्यारी होती है, अल्फाजों में आपकी माशाल्लाह खो जाता हूँ मैं। वाकई में डिफरेंट है यार, एक निवाला और लूंगा, उसके बाद इसकी इनफरादियत बताते हैं आपको। अंदाजा नहीं था कि चीजें इस हद तक मुख्तलिफ मिलेंगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करेंगे। दो आइटम हमने मेन कोर्स में वेज की बोली थी, दो आइटम में नॉन वेज की बोली थी। वेज की आइटम में हम सबसे पहले शुरू करेंगे पालक पनीर। बड़ा पुरौनक सा है, अभी तक जो खाने का जितना भी मुझे यहाँ एक्सपीरियंस हुआ वो सरप्राइजेस से भरा रहा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि गली खान खाना की इतनी अंदर आने के बाद कोई इस तरह से इतने अंदाज के जायके परोस रहा होगा। तो सर पालक पनीर को हम लेंगे। भाई आप निकालते क्यों नहीं है? अरे बस हजरत मैं आपकी बातों में खो जाता हूँ। लच्छा पराठा जो है लीजिए। अरे जहाँ नॉन वेज पे इतना गौर हो वहाँ वेज पे इतना खूबसूरत अंदाज से रंगत वाला खाना सामने आए तो पता लगता है कि काम हर तरफ हो रहा है। बिस्मिल्लाह सुभानअल्लाह, बेहतरीन बात है यार, ये ज़बरदस्त है। मतलब पालक पनीर ही है, लहसुन क्रीम घुटा हुआ पालक और अच्छा सा पनीर, ये सब मिलकर बन जाता है अच्छा सा पालक पनीर। मुझे पसंद आया। लच्छा पराठा बनते हुए देख रहे थे, जब आप खाने को बनते हुए देखते हैं तो उसको खाने में आपको अलग मज़ा आता है। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि हम खाना खाने से पहले कैमरे का वहाँ पेट भरता है और हमारा दस्तरखान पे। एक निवाला और, थोड़ा शाही पनीर से बात करते हैं, वो क्या कहना चाहता है। बिस्मिल्लाह, पालक पनीर के बाद ये शाही पनीर जो है बहुत कुछ कहना चाह रहा है और इसकी आवाज़ मुझे बाकायदा आ रही है। जब ये बन रहा था जब से ले गए यहाँ तक, हमने इसको होल्ड पर डाला हुआ था कि भाई तुमसे पूरी बात करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। तो अब जो है ये ज्यादती है कि हम इससे और ज़्यादा इंतज़ार करें। जावेद भाई लीजिए, इसको हम लेंगे बटर नान के साथ। तो शाही पनीर है, बड़ा मासूम सा है, ट्रिपल ए फूड पर है, गली खाने खाना में है, जामा मस्जिद पे है, पुरानी दिल्ली में है और इस वक्त हमारे सामने है। बिस्मिल्लाह करते हैं। जावेद भाई क्या रिपोर्ट है? अरे बहुत शानदार। अच्छा है? बहुत बेहतरीन, बहुत क्रीमी है यार, बहुत बेहतरीन और बड़ा पीस भी बहुत। बहुत टेस्टी, चटपटा जायकेदार। अब ऐसा जल्दी जल्दी होने लगा है कि कुछ खाने ऐसे आ जाते हैं जवाबंदी कर देते हैं, ये बहुत अच्छा है, ये कमाल है, या कहा जाए कि ये अब नशे शुरू हो गए हैं। ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा ये पनीर बहुत कमाल है। मुझे बार बार यही कह रहा हूँ कि मुझे अंदाज़ा नहीं था इस लेवल के खाने होंगे। मैं जल्दी हो सकता है फैमिली के साथ दोबारा आऊँ, ये बात तय रही। ज्यादा बहुत अच्छा है, बहुत लाजवाब है। मेन कोर्स की ग्रेवी के आइटम है और है क्या है जावेद भाई? कढ़ाई चिकन। कढ़ाई चिकन, कढ़ाई चिकन, बस जल्दी से काम शुरू करते हैं। टूट पड़ो जी, टूट पड़ो। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, तो इस कढ़ाई चिकन को मेरे ख्याल में इस 18 इंच की रुमाली रोटी से लेंगे। मैंने इसको बनते हुए देखा था, कब इतनी फैला दी उन्होंने मुझे पता नहीं लगा, बहुत महारत के साथ बना रहे थे। और बड़ी बारीक है इनकी ये रोटी। मैंने ये लेग पीस लिया है और देखते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मसाले इन्होंने इसमें डाले थे, कुछ साबुत, कुछ पिसे हुए, कुछ कूटे हुए। इस रुमाली रोटी के बड़े से निवाले में इसको लेते हैं, कुछ मसाले इस पे लगाते हैं। यार हर चीज़ किस कदर जल्डअप है, ये एक जबान कितने ज़्यादा बताएगी आखिर। बड़े सेंसर्स लगाए इसमें अल्लाह ने, सब बता देगी ये। बिस्मिल्लाह। खड़े मसालों के साथ स्पाइसी चटपटी, जिसकी जामा मस्जिद पे आने के बाद आदमी की ख्वाहिश होती है कि जिस तरह के खाने मिले। लिमिट में है स्पाइसेस इसके। आखिरी चीज़ जो यहाँ पर कोरमा है, ये कोरमा जो है ये मुझे बहुत देर से बड़ा ललचा रहा है। हाँ कोरमे का मसाला दर दरा चाहिए, दानेदार कोरमा। हाँ जी क्या बात है। यह एक छोटा सा पीस
और ये आया कोरमा। जावेद भाई आप लीजिए, ये मैंने छोटा सा पीस लिया है, ये पीस सारी कहानी कह देगा मुझे ऐसा लगता है। जितनी खासियतें मैं समझता हूँ इसमें होनी चाहिए फिलहाल फिजिकली नज़र आ रही हैं, बाकी निवाला जब जबान पर जाएगा तो सेंसर्स बताएंगे कि जायका कैसा है। थोड़ा सा दावतों वाले शादियों वाले कोरमे से थोड़ा सा ट्विक किया हुआ है इन्होंने, और जो इनकी मेरे ख्याल में इनकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी और ज़्यादा थिक है। एक प्रीमियम साइड ऐड हो रही है इसके अंदर, लेकिन जो मुझे कोरमे में तलाश रहती है उससे थोड़ा सा ही अलग है। इस खाने को हम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर लें थोड़ी देर के लिए।